तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो टीम प्रोवाइड आप लोगों को करवा रहा हूँ ग्रैंड लीग की, एकदम से लगा कर रख लीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख लीजिए। मैंने और जो दोस्तों टीम प्रोवाइड करवाई वहीं से दोस्तों जो है आप लोग एक बार देख पा रहे होंगे जो टीम मैंने यहाँ पर दी हुई थी, मतलब कि कैप्टन वाइस कैप्टन सारे के सारे खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, पूरी की पूरी टीम ही दोस्तों एकदम प्रदर्शन करके यहाँ पर आई हुई है। और दोस्तों ग्रैंड लीग के अंदर जो बहुत सारा विन भी हम लोगों ने किया हुआ है, ग्रैंड लीग की मात्र 3 टीम प्रोवाइड आप लोगों टेलीग्राम पर करवाई थी जिनमें से ही दोस्तों हम लोग जो है ग्रैंड लीग विन करके आए हुए हैं। साथ में स्मॉल लीग तो दोस्तों एक तरफा विन किया हुआ है और स्मॉल लीग की टीम भी प्रोवाइड करवाई हुई थी। तो ग्रैंड लीग की जो टीम मैंने दोस्तों मैच से पहले यहाँ पर दी हुई थी उनके बारे में बात करें, जो टॉस के हो गया था दोस्तों उसके बाद मैंने दे दिए थे यहाँ पर जो ट्रंप कार्ड खिलाड़ी थे भाई, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये जो नाइट वाला मैच है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, एमएस धोनी जो बैटिंग करने के लिए आए दोस्तों, एमएस धोनी को लगभग किसी ने भी अपनी टीम में पिक नहीं किया हुआ था लेकिन हमने जो दिया हुआ था एमएस धोनी को, और उन्होंने 69 पॉइंट्स हम लोगों को दिए दोस्तों। लास्ट में आकर बैटिंग भी की खूब ताबड़तोड़ बैटिंग की महेंद्र सिंह धोनी ने। साथ में ऋषभ पंत ने दोस्तों अर्धशतक लगाया, ऋषभ पंत भी हमारी टीम में थे। वाइस कैप्टन थे हमारे डेविड वार्नर जिन्होंने दोस्तों शानदार पॉइंट्स दिए। अजिंक्य रहाणे को मैंने आप लोगों को वीडियो में ही बोल दिया था कि विशाखापट्टनम में अजिंक्य रहाणे जो है दोस्तों अच्छा खासा रिकॉर्ड है, इनका एवरेज स्कोर बहुत अच्छा था वहाँ पर, तो ये जो है जरूर अपनी टीम रहेंगे और ट्रंप कार्ड खिलाड़ी रहेंगे। तो अजिंक्य रहाणे थे हमारी टीम में। पृथ्वी शो जो कि दोस्तों सीजन का पहला मैच खेल रहे थे, पृथ्वी शो ने भी शानदार बाबर बल्लेबाजी की। और ट्रस्टन स्टॉप्स, अक्षर पटेल, डैरिल मिचेल, मुकेश कुमार, खलील अहमद और मतीसा पथिराना जिनको हमने लोगों दोस्तों रिस्क लेकर कैप्टन रख कर दिया था। बहुत से लोगों ने यहाँ दोस्तों थोड़े से ही लोगों ने 1% लोगों ने इनको कैप्टन किया होगा लेकिन दोस्तों हम लोगों ने रिस्क लिया और इनको कैप्टन रख दिया। मतीसा पथिराना कैप्टन, वाइस कैप्टन थे दोस्तों डेविड वार्नर, और ग्रैंड लीग की टीम हम लोगों ने बनाकर दी जिसमें दोस्तों सारे के सारे खिलाड़ी हम लोगों के दोस्तों ट्रस्टन स्टॉप्स को छोड़कर जो ग्रैंड लीग वो हम लोगों ने आसानी से विन किया। तो आप लोग भी इस प्रकार की टीम चाहते तो दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये खिलाड़ी ट्रंप कार्ड रहेंगे, इनको टीम में जरूर पिक करना है, तो वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो जो आप लोगों के पास पहुंचे। दिन वाले मैच की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर रिद्धिमान साहा को बतौर विकेट कीपर हम लोगों ने लिया हुआ था, डेविड मिलर, ट्रेविस सैड, अभिषेक शर्मा, सुमन गिल, एडन माराकम, अजमतुल्ला उमरजाई, पैट कमिंस, और दोस्तों वाइस कैप्टन थे हमारे मोहित शर्मा, राशिद खान और दोस्तों नूर अहमद जो कि पहला मैच खेला सीजन का, नूर अहमद को भी हमने टीम में पिक किया हुआ था। वाइस कैप्टन थे हमारे दोस्तों मोहित शर्मा और कैप्टन थे अभिषेक शर्मा। यहाँ पर दोस्तों जो ग्रैंड लीग की बात करते हैं दोस्तों, अगर सुमन गिल कैप्टन होते तो ग्रैंड लीग जो बड़ा वाला हम लोग विन कर लेते, यहाँ पर स्मॉल ग्रैंड लीग जो होता है दोस्तों वह हम लोगों ने विन किया हुआ था, जो कम पैसे वाला स्मॉल ग्रैंड लीग होता है वहाँ पर विन किया हुआ था। अगर दोस्तों यहाँ पर कैप्टन सुमन गिल होते तो हम लोगों को जो है दोस्तों बड़ी वाली ग्रैंड लीग जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता था। तो दोस्तों इस प्रकार की आप लोगों को भी टीम हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह बहुत अच्छा खासा विन कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग भी विन करना चाहते तो अभी के भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज के मैच के बारे में बात करें दोस्तों, आज के मैच की भी जीएल की 3 टीमें भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं, बताने वाला हूं किस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग जा सकते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी आप लोगों के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। मैच की बात करें दोस्तों, मैच नंबर 14 होने वाला है, 7:30 बजे से यह मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। मुंबई अपना पहला होम मैच है दोस्तों यहाँ पर खेलने वाली है, तो मुंबई को थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है लेकिन राजस्थान का पड़ा दोस्तों मुंबई की तुलना में मुंबई के अंदर जो थोड़ा सा भारी रहता है आप लोगों को बता दें। तो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो आगे पिच रिपोर्ट की, किस प्रकार की पिच रिपोर्ट होने वाली है, तेज गेंदबाज कौन से रहेंगे, स्पिनर आप लोगों टीम में पिक करना है या नहीं। तो दोस्तों लास्ट के 5 T20 मुकाबलों की बात करें तो दोस्तों यहां पर जो है पेसर्स को 7 विकेट मिले और स्पिनर्स को 3 विकेट यहां पर मिले हुए हैं दोस्तों। इस वेन्यू पर बात करें तो दोस्तों यानी कि पेसर्स का थोड़ा सा दोस्तों बोल वाला रहता है क्योंकि लाल मिट्टी की पिच रहेगी, थोड़ी उछाल भरी पिच आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। तो जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज और दोस्तों यहां पर जो काफी ज्यादा मदद मिल सकती है, जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज, जेरल्ड कोर्ची हो गए, इसलिए दोस्तों कहा था मुंबई का पड़ला थोड़ा सा भारी रहेगा क्योंकि होम ग्राउंड मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। स्पिनर्स को 3 विकेट यहां पर मिले हुए हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों पिच रिपोर्ट बैटिंग पिच रहेगी, एवरेज स्कोर 172 है, हाईएस्ट स्कोर 240 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट स्कोर 80 रन 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों बने हुए हैं। टोटल मैच की बात करें दोस्तों, लास्ट के 5 सालों में जो मैच खेले गए हैं दोस्तों 12 मैच खेले गए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैच जीते हैं और जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसने यहाँ पर 7 मुकाबले जीते हुए हैं, एक भी मैच यहाँ पर जो है टाई नहीं हुआ है।
अब दोस्तों आगे बात करते हैं, अगर आप लोग दोस्तों विन कर रहे हैं बहुत अच्छा हम लोगों से जो हम लोग आपको टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग अपने स्क्रीनशॉट हमको जो है डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हम लोगों को फॉलो कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप लोग कोई भी फैंटेसी टीम से रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी टिप्स आप लोगों को लेनी हो बिल्कुल फ्री में हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ में दोस्तों आप लोगों की सबसे अहम जानकारी, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जैसा कि दोस्तों कल हम लोगों ने जैकपॉट मैच बनाया दोनों मैचों को ग्रैंड लीग के अंदर, स्मॉल लीग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ग्रैंड लीग के अंदर बनाया, वैसा ही दोस्तों आज के मैच में भी बनाने वाले हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। प्लेइंग 11 के बारे में बात करें दोस्तों, मुंबई इंडियंस की किस प्रकार की प्लेइंग 11 खेलती हुई नजर आएगी आप लोगों को, तो दोस्तों रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नमन देर, हार्दिक पंड्या, टिम डेविड, समसुमलानी, जेरल्ड कॉटजी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और लिक्विड। लिक्विड की जगह दोस्तों यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आप लोगों को खेलते हुए नजर आएंगे जो पिछले मैच में खेले गए थे, उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, तो हो सकता है दोस्तों वापसी लिक्विड भी खेलते हुए नजर आए या उनको भी वापसी मौका दिया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार की प्लेइंग 11 जो होने वाली है मुंबई इंडियंस की। ट्रंप कार्ड खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों हम लोगों के लिए ईशान किशन हो गए, इस मैच में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी हार्दिक पंड्या है, और दोस्तों जसप्रीत बुमराह ये हमारे ट्रंप कार्ड खिलाड़ी इस मैच में होने वाले हैं, तिलक वर्मा और रोहित शर्मा भी दोस्तों अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं इस मैच की बात करें तो। दोस्तों आगे दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के कौन कौन से खिलाड़ी ट्रंप कार्ड आप लोगों के लिए साबित हो सकते हैं, प्लेइंग 11 किस प्रकार की रहेगी राजस्थान रॉयल्स की, तो यशस्वी जायसवाल, जॉस वर्नर, संजू सैमसन, रियन पराग, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन आर अश्विन, आवेश खान, संदीप शर्मा, ट्रेंट वोल्ट और युजविंदर चहल, ये दोस्तों इस प्रकार की खिलाड़ी और की 11 खिलाड़ी जो है दोस्तों टीम में। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों नांद्रे बर्गर इस टीम में बतौर सब्सिट्यूट आते हैं, तो वो भी एक अच्छा खासा ट्रंप कार्ड खिलाड़ी हम लोगों के लिए साबित हो सकते हैं। इस मैच में बात करें दोस्तों सबसे बड़ा खिलाड़ी हम लोगों के लिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने पिछले सीजन जो मुकाबला खेला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में, वहां पर शानदार शतकीय पारी खेली थी, तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल कैप्टन वाइस कैप्टनसी का भी अच्छा खासा विकल्प हम लोगों के लिए साबित हो सकते हैं। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, ये दोस्तों दो सबसे बड़े ट्रंप कार्ड खिलाड़ी इस टीम की तरफ से हम लोगों के लिए। साथ में दोस्तों रियन पराग जो शानदार फॉर्म में है, संजू सैमसन भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं दोस्तों। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें दोस्तों ट्रेंट वोल्ट और युजवेंद्र चहल, साथ में दोस्तों आवेश खान जो रुस्तम की तरह इस आईपीएल सीरीज में जो दोस्तों बॉलिंग कर रहे हैं, ये ट्रंप कार्ड खिलाड़ी आप लोग साबित हो सकते हैं। अब चलिए आप लोग अपनी टीम किस प्रकार की बना सकते हैं 11 खिलाड़ियों की, और जिसमें दोस्तों तीन जीएल की टीम मैं आप लोग प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो तीन टीमों का किस प्रकार कॉम्बिनेशन आप लोग रख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों हम विन कर रहे हैं और आप लोगों को भी विन करवा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बस यही आप लोगों से मांगते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में टीम आप लोगों को प्रोवाइड हम लोग करवाते हैं। यहाँ पर दोस्तों टोटल मैचेस की बात करें तो 9 मैच खेले गए हैं, मुंबई इंडियंस ने 5 मैच जीते हैं और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 4 मैच जीते हैं। हेड टू हेड मुकाबला की बात करें तो दोनों ही टीमें बराबर हैं, किसी का ज़्यादा पड़ रहा इधर नहीं है भारी। अब दोस्तों ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन जो तीन टीम हम आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसको कप्तान रखना है, किसको वाइस कैप्टन रखना है, किस कॉम्बिनेशन साथ आप लोग जा सकते हैं जीएल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, जॉस बटलर है हमारी टीम में, संजू सैमसन, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रविचंद्र अश्विन, रियन पराग, संदीप शर्मा, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान और जेरल्ड कॉटजी, ये हमारी दोस्तों पहली टीम रहेगी जिसमें दोस्तों हम लोगों ने वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को रखा है, कैप्टन जॉस बटलर होने वाले हैं। 4 दोस्तों हम लोगों ने इधर जो गेंदबाजी रखे हुए हैं जो डेथ में गेंदबाजी करते हैं, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान, संदीप शर्मा, दोनों दोस्तों यहाँ पर जो आवेश खान और संदीप शर्मा बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। जेरल्ड कॉटजी, जसप्रीत बुमराह दोनों तेज गेंदबाज दोस्तों, जैसा कि आप लोग बताया तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलेगी स्पिनर्स की तुलना में वानखेड़े स्टेडियम में। इस मैच में दोस्तों इस टीम में बड़ा खिलाड़ी ट्रंप कार्ड जो रियन पराग और तिलक वर्मा हम लोगों के लिए होने वाले हैं, कैप्टन जॉस बटलर और वाइस कैप्टन रोहित शर्मा। दूसरी टीम जो हम लोगों ने बनाई है दोस्तों कॉम्बिनेशन के साथ, जिसमें 5 गेंदबाज हम लोगों ने रखे हुए हैं, सबसे रिस्की टीम यही होने वाली है दोस्तों हमारी, क्योंकि रिस्क लेना सीखिए, रिस्क लेंगे तभी दोस्तों आप लोग जीएल विन कर पाएंगे। 100 से 10% गारंटी रिस्क के साथ ही दोस्तों यहाँ पर रहती है, तभी जीएल विन होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग सिर्फ स्टेट्स के ऊपर चले जाएंगे कि यहाँ पर जो है मैचेस का किस प्रकार के स्टेट्स है, रिकॉर्ड्स किस प्रकार के, तो आप लोग नहीं जानते। फैंटेसी टिप्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, फैंटेसी किस प्रकार से खेलता है, तभी आप लोग जो जीएल के अंदर विन कर सकते हैं। यहाँ पर संजू सैमसन इस टीम में है दोस्तों बतौर विकेट कीपर, हमारे ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, रविचंद्रन अश्विन, हार्दिक पांड्या, रियन पराग, युजविंदर चहल, ट्रेंट वोल्ट, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान और जेरल्ड कॉटजी, 5 गेंदबाज हम लोगों ने लिए हुए हैं, जिसमें दोस्तों इस टीम में हमने कैप्टन संजू सैमसन को रखा है और वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह हम लोगों के दोस्तों होने वाले हैं। 3 गेंदबाज दोस्तों यहाँ पर जो युजविंदर चहल बतौर स्पिनर दोस्तों हम लोगों ने इस टीम में पिक किया हुआ है, आवेश खान, ट्रेंट वोल्ट है और आर अश्विन, और दोस्तों ये जो चारों की चारों बॉलर भी आप लोगों को नजर आएंगे बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, जसप्रीत बुमराह और जेरल्ड कॉटजी मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से। तो 5 गेंदबाज और 3 ऑलराउंडर और दोस्तों 1 बैट्समैन के साथ इस टीम में जो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं। अब आखिरी और जो फाइनल टीम तीसरी रहेगी उसके बारे में बात करें तो दोस्तों जॉस बटलर है हमारी टीम में, संजू सैमसन, ईशान किशन, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा,
हार्दिक पांड्या, रियन पराग, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्टर, जसप्रीत बुमराह। इस टीम में हमने कैप्टन यशस्वी जायसवाल को रखा है, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या होने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों इस टीम से आप लोग जो है जॉस बटलर को चेंज कर दीजिए। मैं जैसा कि आप लोग बोलता हूँ एक दो चेंजेस आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जॉस बटलर को सकता है आप हटा सकते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन का जो तीन टीम आप लोग बताएंगे ये तीन टीम अभी के भी बनाकर रख लीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख लीजिए। साथ में टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के बाद फाइनल टीम आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। और वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।